तरह से आज एक बार फिर माइनॉरिटी को निशाना बना दिया गया है, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, बेगुनाह है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है, सारे वतन में नफरत जिस तरह फैली जा रही है, फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। जब कश्मीरी पंडित मारे गए थे तो मैंने सरकार को लिखा था, गवर्नर साहब को लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि सारे लीडरों को बुलाइए, उनसे ऑल पार्टी मीट करिए, उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात करें, उसके बगैर नहीं बनेगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। तो हल कहां पर आपको नजर आ रहा है? हल इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें वो रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे हल निकल सके। कोई बना हुआ हल नहीं है, उस हल को बनाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया है, 370 को खत्म किया है। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। आपको लग रहा मेरे वक्त में तो इतनी फौज भी नहीं थी, इतना पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं थी जब मैं राज में था। जहां तक आज के हमले की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है इससे और ज्यादा जो है दूरी, खासकर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, यूटी की बात करते हैं, जब हम जम्मू डिवीजन की बात करते हैं, कश्मीर डिवीजन की, उससे कई दूरियां तो नहीं बढ़ रही? नफरतें बढ़ रही है, दूरियों को मैं नहीं जानता, नफरतें बढ़ेंगी। जो ये कर रहे हैं उनसे नफरतें बढ़ी, हो सकता है उनका यही, जो ये कर रहे हैं उनका ये मकसद यही हो कि जो नफरतें बढ़े और हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, हो सकता है। आपको लग रहा है कि अब इसका फाइनल हल अगर हम देखें, इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसका एक ही वाहिद इलाज है या वाहिद एक रास्ता है, वो है इलेक्शन, क्योंकि यहाँ की लोकल सरकार बने, वो इन सब चीजों को देखे। अगर आप ये समझते हैं कि सरकार बनने से ये आतंकवाद खत्म होगा तो आप गलतफहमी में हैं। उस सरकार को भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जहां से ये आ रहे हैं, जब तक उन लोगों के हुकूमत से बात नहीं की जाए, कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया जाए, तो बंद नहीं होगा, उस गलतफहमी से निकल आएंगे।